मैं रेखा वावेजा एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं काव्यखंड पाठ 1 सूरदास के पद। सबसे पहले सूरदास जी कौन है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कवि परिचय देते हुए, सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि सूरदास जी हुए हैं। इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका में हुआ। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य तथा अष्टावक्र के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। सन 1583 में परसोली गांव में उनका देहांत हुआ। इनके काव्य में रचित कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम को दर्शाता है। सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक को पैदा किया। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा रूप दिखाई देता है। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब जो पद आपके पाठ में है वे सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। कृष्ण जी जब मथुरा चले गए और स्वयं नहीं लौटे, उन्होंने उद्धव जी जो उनके प्रिय मित्र थे उनके द्वारा गोपियों के पास संदेश भिजवाया और उद्धव जी निर्गुण और योग के उपासक थे, वही उपदेश गोपियों को देना चाहते थे ताकि गोपियों की विरह वेदना शांत हो जाए। परंतु गोपियां ज्ञान मार्ग पर चलने के बजाय प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती थी। तभी एक भवरा आ पहुंचा। भवरा काले रंग का कीट होता है जो फूलों के आसपास मंडराता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। गोपियों ने उस भवरे के माध्यम से उद्धव के ऊपर कटाक्ष करने शुरू कर दिए। पहले पद में गोपियों की शिकायत सही है। यदि उद्धव कहीं स्नेह के धागे में बंधे होते तो गोपियों की पीड़ा को समझ पाते। पहला पद पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनहित आगत है नाहिन मन अनुरागी। पुरहानी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागे, जो हो जल महातेल की गागरी बोन नता को लागे। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो दृष्टि न रूप परागे, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागे। बड़ भागे भाग्यशाली अपरस अछूता तागा धागा दागी दाग या धब्बा। प्रीति नदी प्रेम की नदी पाहु पाओ या पैर, बुरायो डिबोया परागी मुक्त होना, गुर गुड़ चाटी जो पागी। जिस तरह से चीटी गुड़ में लिपटी होती है उसी तरह से गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो चुकी हैं। आइए अब हम इसका भवार समझते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव पर व्यंग करते हुए कहा है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागे, अपरस रहत सनेह तागत है नाहिन मन अनुरागी। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं और ना ही आपके मन में किसी के प्रति अनुराग है। उन्हें यहाँ भाग्यशाली क्यों कहा गया है? क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम के बंधन में बंधा ही नहीं उसे विरह की वेदना का एहसास नहीं होगा। जो इस समय गोपियां जिस पीड़ा को झेल रही हैं, जिस दर्द को सहन कर रही हैं, वो पीड़ा जो है उसका एहसास उद्धव जी को नहीं होगा। वो उस दुख को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि आप भाग्यशाली हैं, आप बड़ भागी हैं। आगे कहते हैं, पुरहानी पात रहत जल भीतर तहरस देना दागे। वो आगे कहते हैं, जिस तरह से पानी में रहने पर कमल के पत्तों के ऊपर एक बूंद नहीं टेकते, जो हर समय कमल का फूल पानी में रहता है, जल में रहता है, लेकिन जल का कोई भी प्रभाव उन पत्तों पर नहीं पड़ता, इसी तरह से उद्धव जी रात दिन कृष्ण जी के साथ रहते हैं लेकिन उनके प्रेम से अभी भी अप्रभावित हैं, उनके रंग में रंगे ही नहीं हैं, उनके प्रेम का उन पर कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता। जूजल महा तेल की गागरी बोन न ताको लागी। कहते हैं, जिस तरह से तेल लगी मटकी को
पानी में डुबोया जाए या भिगोया जाए, उस पर पानी की बूंद ठहर नहीं पाती। उसी प्रकार उद्धव, आपका मन भी तेल की तरह चिकना है, जिस पर प्रेम जल का कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई देता, अर्थात तुम्हारे ऊपर प्रेम का कोई भी रूप दिखाई नहीं दे रहा। प्रीति नदी में पाव ना बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे। आगे कहते हैं, उसी प्रकार उद्धव, आप श्री किशन रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी आपने पाँव डुबोया ही नहीं, आपने उसमें स्नान किया ही नहीं, और तो आप में दूर दूर तक छींटे भी दिखाई नहीं देती, अर्थात उनकी दृष्टि किसी भी रूप पर मोहित नहीं हुई, किसी का प्रेम में रूप उनकी आंखों में नहीं बसा, वे किसी प्रेम में मुख दिखाई नहीं दिए। यहाँ पर उद्धव की समानता तेल की गगरी कमल के पत्ते के समान बताई गई है। सूरदास अबला हम भोरे, गुर चाटी जो पागे। आगे कहती हैं, हम अबला हैं और भोरी हैं, हम तुम्हारी तरह भाग्यशाली नहीं हैं, तुम्हारी तरह भाग्यवान नहीं हैं। कृष्ण के प्रेम में हम इस तरह से डूब चुकी हैं, जिस तरह से गुड़ में चींटियां लिपट गई हैं और अंतिम सांस तक वहां पर चिपटी भी होती हैं। हम भी अपने आप को अगर चाह कर भी अलग करना चाहें श्री कृष्ण के प्रेम से, तो हम अलग नहीं हो सकते, हम पूरी तरह से उनके प्रेम में रंग चुके हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि गोपियां ने अपने आप को अबला और भोरी क्यों कहा है? गोपियां अपने आप को अबला कहकर उद्धव को यह बताना चाहती हैं कि वे योग साधना जैसे कठिन मार्ग पर नहीं चलेंगी। वो इस बात का एहसास कराना चाहती हैं कि हमने जो सगुण भक्ति को अपनाया है, हम निर्गुण भक्ति में नहीं जा सकते। दूसरा आता है भोली। यहाँ पर भोली कहकर वो यह जताना चाहती हैं कि उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, वे श्री कृष्ण जैसे निस्वार्थ प्रेम करती हैं, उनका प्रेम जो है वो सच्चा है। भाव क्या है? भाव यही है कि श्री कृष्ण जी जानते थे कि उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के प्रेम का अवश्य प्रभाव पड़ेगा। गोकुल में उद्धव का आदर सत्कार तो हुआ, परंतु ज्ञान मार्ग और योग साधना की बातें उन्हें अच्छी ना लगी। काव्य सुंदर्य हम करेंगे। सबसे पहले नंबर एक पे हम लेंगे गोपियों के प्रेम का साकार रूप, यहाँ पर उसका चित्र उपस्थित हुआ है। दूसरा वियोग श्रृंगार रस है, क्यों? क्योंकि गोपियों की विरह वेदना है, ब्रज भाषा का अनूठा रूप दिखाई दिया है। अलंकार देखेंगे, प्रीति नदी में रूपक अलंकार का प्रयोग है, पुराहनी पात में पा की अवृत्ति आने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, उपमा अलंकार होगा, पहली पंक्ति होगी पुराहनी पात रहत जल भीतर तारस दे न धागे, दूसरी पंक्ति जो जल महा तेल की गागरे भून नता को लाई, और तीसरी पंक्ति होगी गुरु चाटी जो पागे। इन तीनों पंक्तियों में तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि की यहाँ पर कल्पना शक्ति अनूठी है, इसके अलावा संगीतात्मकता के कारण यहाँ पर लय तुक का अच्छा संबंध बताया गया है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन साथ में कई प्रश्न आए होंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा, गोपियां उद्धव को भाग्यवान क्यों कहती हैं? आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न होगा, गोपियां उद्धव को भाग्यवान क्यों कहती हैं? दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है और क्यों की गई है? तीसरा प्रश्न होगा, गोपियों ने अपने मन की वेदना किस प्रकार प्रकट की है? चौथा प्रश्न होगा, तेल की गागर के दिशांत के माध्यम से कवि क्या प्रभाव प्रकट करना चाहता है? और अगला प्रश्न होगा, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली कौन सी है? इन पांचों प्रश्न के उत्तर हम अगली कक्षा पर चर्चा करेंगे। आपका गृह कार्य यही है कि आप पद एक की व्याख्या भाव सहित व शिल्प सौंदर्य सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में करें और इन प्रश्नों के उत्तर भी खोजें। धन्यवाद।